हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, हाउ टू यानी कि विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, विंडोज 7 हो, इसे करने का मतलब नहीं विंडोज 7 XP या 10 जो भी हो, तो उसमें आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। पहले आपको रन प्रॉम्प्ट पर जाकर, जैसे ये पिक्चर है तो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, मैंने दिखाया है, स्टार्ट को क्लिक करनी है, उसके बाद HTWWIZ क्लिक करनी है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन चूज करना है इंस्टॉल का, उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इसमें नेटवर्क एडाप्टर चूज करनी है क्योंकि इंटरफेस क्रिएट करना है, नेटवर्क इंटरफेस एडाप्टर, नेक्स्ट उसको तो माइक्रोसॉफ्ट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्रेट ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का हम करना चाहते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट लूपबैक एडाप्टर एंड नेक्स्ट, उसका फाइनल लूपबैक इंटरफेस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो थियोरिकली है कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मैंने लैपटॉप के स्टार्ट बार में गया, वहाँ पे HTWWIZ, उसके बाद इंटर प्रेस किया। ओके सेम बॉक्सेस जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताया था, यू टू ऐड हार्डवेयर विजार्ड, नेक्स्ट इंस्टॉल करनी है, सर्च नहीं करना है, मुझे सर्च करना हो तो सर्च करते हैं, ऑटोमेटिक सर्च होती है, बट इंस्टॉल करनी है, नेक्स्ट यहाँ चूज करनी है, नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क एडाप्टर अगेन नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर नेम, नेटवर्क एडाप्टर, माइक्रोसॉफ्ट लूपबैक एडाप्टर अगेन क्लिक नेक्स्ट बटन, अगेन नेक्स्ट, अगेन फिनिश। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आपको चेक करते हैं सही में अब क्या हमारा एडाप्टर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो चलिए नेटवर्क मिल गया, चूज चेंज इट पर सेटिंग। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट लूपबैक एडाप्टर, ये मेरा हमारा एडाप्टर क्रिएट हो गया, अब इसका नाम चेंज करते हैं लूपबैक, इसमें आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक आईपी। ओके तो यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जानी है, नेक्स्ट ऑप्शन हमें IPv4 कॉन्फ़िगर करनी है, IPv6 अनचेक कर देते हैं, IPv4 यहाँ ऑप्शन चूज करनी है, प्रॉपर्टीज यूज ऑफ फ्लोइंग एड्रेस इस ऑप्शन में चूज करनी है, क्योंकि ये ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक आईपी उठाएगी, स्टैटिक करती है। चलिए यहाँ पे कोई सा आईपी चूज कर लेना, जैसे पब्लिक आईपी है 192.168.1.100 चूज कर लेना,
सब्जेक्ट सबनेट हमारा क्या है, सी क्लास का ही है। चलिए सबनेट तो हो गया, आईडी को डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन गेटवे डालते हैं, सॉरी 192.168.1.1। अब डी एन एस डालते हैं, अगर डी एन एस आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते हैं। वो आपको चेक करना होगा डी एन एस क्या है। सपोज मान लीजिए मेरा डी एन एस है 10.1.1.1, एक है 10.1.1.2, ये है डी एन एस सपोज मान लीजिए। चलिए उसके बाद ओके नेक्स्ट क्लोज कर दिया। चलिए अभी मैं अपना राउटर डिसेबल कर देता हूँ। चलिए इनेबल हो गया दोस्तों, यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट हो चुका है, आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। इस तरह से हम लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, लूपबैक राउटर क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और न्यू वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।